क्वेश्चन है, जे एडवांस क्वेश्चन है, जे एडवांस 2004 का क्या है, इंटीग्रल माइनस टू टू जीरो एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स प्लस वन टेक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपका गिवन है। आप देखो इसमें से क्या करो, इतना को एक साथ लिख लो, इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ये कर लो, माइनस टू से जीरो एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री ये डी एक्स कर लो, प्लस इंटीग्रल ऑफ माइनस टू से जीरो एक्स प्लस वन कॉस ऑफ एक्स प्लस वन डी ऑफ एक्स। अब ये इंटीग्रल इसे देखकर ये आसान लगने लगा होगा, ये तो सिंपल अलजेब्रा है, अलजेब्रिक इक्वेशन है, मतलब कहने का मतलब अगर ये पूरा कहें तो क्यूबिक पॉलीनोमियल है। आप इसको आराम से इंटीग्रेट करो, पहला क्या हो जाएगा एक्स टू दी फोर प्लस फोर, दूसरा क्या होगा एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू बाई थ्री, थ्री से थ्री कट जाएगा एक्स क्यू, फिर क्या हो जाएगा थ्री बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स टू से जीरो प्लस। आप देखो एक्स प्लस वन कॉस ऑफ एक्स प्लस वन है, एक जो आपको बताया था हाई लिट में, ठीक है, ऐसे लिख लिया, इसको डिफरेंशिएट करो तब तक जब तक जीरो ना हो, वन जीरो, इसको उतना ही बार इंटीग्रेट करना है, साइन ऑफ एक्स प्लस वन माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस वन, ठीक। सबसे पहले प्लस से साइन शुरू करते हैं, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख लिया, क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन टाइम्स साइन ऑफ एक्स प्लस वन प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वन, ये इस इंटीग्रल का लिमिट डाल दो माइनस टू से जीरो। अब सब्स्टिट्यूट कर दो लिमिट, देखो जीरो रखेंगे तो ये सारा जीरो बन जाएगा, निगेटिव के साथ क्या आ जाएगा माइनस टू टू दी पावर फोर, सोलह बटा चार चार आ जाएगा, माइनस एट आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा चार दोनी दो से कट जाएगा छह, ये माइनस छह, ठीक, ये आपके पास ये आ गया इसका प्लस। अब क्या करो इसे जीरो रखोगे तो ये वन साइन वन प्लस कॉस वन, साइन वन प्लस कॉस वन, ओके। और फिर निगेटिव करके करेंगे माइनस ऑफ, ये क्या हो जाएगा माइनस वन टाइम्स साइन वन, तो ये क्या हो जाएगा साइन वन हो जाएगा, और फिर कॉस वन आ जाएगा कॉस ऑफ वन। आप देखो ये दोनों कट रहा है बिल्कुल आपस में, तो ये तो जीरो आ गया रिजल्ट, यही फाइनली आएगा। तो आप देखो सिक्स से सिक्स कट गया, ये माइनस फोर है और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली फोर आएगा इसका आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो ये था बेसिकली, इसे बस बाइफरकेट करना था, यहाँ बाइफरकेट कर लिया, आसान सा इंटीग्रल बन गया।